नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जी बी शो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSD क्या होता है और HDD क्या होता है। बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि हम लैपटॉप लें HDD का लें या SSD का लें, क्या डिफरेंस है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या होता है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे SSD और HDD को, तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि HDD एक बाइक है, मोटरसाइकिल नॉर्मल जो चलती है, और जो आपकी SSD है वो है आपकी सुपर कार जो कि बहुत तेज चलती है और बहुत एक्सपेंसिव आती है। ये इस तरह का डिफरेंस, इस तरह का कंपैरिजन आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि HDD बहुत ज़्यादा स्लो होती है। हमेशा से HDD यूज़ होती रही है, हमने हमेशा से अपने लैपटॉप्स में, सिस्टम पे, PC में HDD देखा है। मैं आपको बता दूँ, ये एक मैकेनिकल ड्राइव है, जिस तरह से आपके लैपटॉप में आप CD लगाते हैं, CD रन होती है, गोल गोल घूमती है, उसी तरह से HDD में अंदर की साइड जो उसके पार्ट हैं वो घूमते हैं, जो आपके डेटा को रीड करते हैं, जिस कारण से आपको डेटा अवेलेबल होता है। और मैं आपको सबसे पहले बता दें कि ये इसके कॉन्स क्या हैं, क्या है इसमें जो बहुत ईजिली मिल जाती है। एक तो जितना भी चाहिए आपको, 40 TB, 50 TB, जो भी चाहिए आपको बहुत ईजिली अवेलेबल है, कहीं भी खोजने में मुश्किल नहीं है। दूसरा तो ये है कि आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी लैपटॉप में आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाएगा, कॉम्पेटेबिलिटी किसी भी लैपटॉप में लग जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके अलग पोर्ट आएंगे, इसके अलग पोर्ट आएंगे, ऐसा कोई नाटक नहीं, कहीं भी जाओ खरीदो। अब जो इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है मैं वो बताता हूँ। प्रॉब्लम्स ये, एक तो ये बहुत ज़्यादा बल्की है, बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। अगर आप पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लेते हैं, अगर पोर्टेबल बाहर एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आप लेते हैं, तो वो भी आपको अच्छी खासी बड़ी देखने को मिलेगी, थोड़ी थिक होगी, बिल्कुल पतली या छोटी नहीं होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा कि ये स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अगर हम प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये में आप करीब 500 GB की SSD आराम से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SSD, हाँ, 500 GB SSD। और अगर आपके पास है 10,000 रुपये, करीब करीब आप 4 TB की HDD खरीद सकते हैं, तो इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर देखने को। तो HDD की मैंने आपको बता दी, मैकेनिकल ड्राइव है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो गिर गई, अंदर का पार्ट कुछ हिल गया, तो ख़त्म, आपका डेटा लॉस हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा, आप लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप क्रैश हो गया, या उसकी जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो गया और डेटा उड़ गया, डेटा का बैकअप नहीं था, सब खत्म हो गया, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम है, फिर डेटा रिकवर भी नहीं होता, क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क ही खराब हो चुकी है। ये बहुत जनरल केसेस में होता रहता है। आपकी जो HDD होती है उसकी लाइफ मैक्सिमम होती है 3-4 साल, उसके बाद वो खराब हो ही जाती है या स्लो हो जाती है। आप लैपटॉप कोई खरीदते हो सस्ता वाला, जिसमें 25,000-30,000 का लैपटॉप है, उसमें HDD लगा हुआ है, आप नोटिस करोगे वो 2 साल चलेगा अच्छा, 3 साल चलेगा, फिर बहुत स्लो हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं चलेगा, तो बहुत सारे लैग्स आने लगेंगे, क्योंकि वो उसमें HDD जो होती है वो लैग करने लगती है, वो मशीन है जो गोल गोल घूमती है वो प्रॉपर जब नहीं घूम रही है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब हम बात करेंगे SSD की। SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ठीक है। जिस तरह से रैम होती है ना, इतनी बड़ी सी प्रॉपर रैम है, एक मैकेनिकल डिवाइस बनी हुई है, या एक डिवाइस मैकेनिकल नहीं, एक नॉर्मल कुछ बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसी तरह से SSD है। इसमें कोई भी अंदर कुछ भी घूमता नहीं है। इसमें क्या होता है, एक तो ये छोटी बहुत है, SSD आपकी इतनी छोटी सी आती है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं आती है, ठीक है। प्राइस मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 500 GB की आराम से SSD खरीद सकते हैं। दूसरा, SSD बहुत छोटी होती है, कुछ बड़ा नहीं है इसमें, छोटा सा है। आज की डेट में जितने भी पतले लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें सिर्फ SSD लगा होता है, क्योंकि HDD अगर लगाएंगे लैपटॉप इतना मोटा हो जाएगा, ठीक है। SSD अगर आप लगाओगे तो जैसे रैम लगती है ना, जितनी बड़ी रैम होती है, पतली सी स्टिक होती है, उसी तरह की SSD होती है, उसमें आपको कुछ बड़े की ज़रूरत नहीं। मैकबुक एयर जो लोग बोलते हैं, यार इतना पतला कैसे, वो SSD के कारण, क्योंकि मदरबोर्ड और जो वो है वो इतना ज़्यादा उसमें बड़ा नहीं होता है, जो हार्ड डिस्क होती है ना वही मोटी हो जाती है, जिसके कारण से लैपटॉप्स मोटे हो जाते हैं। स्पीड मैं आपको बता चुका हूँ, शानदार स्पीड होती है इसकी, मतलब कि आप मान लीजिए HDD से करीब 15-20-30 गुना ज़्यादा स्पीड होती है। बट कई लोग बोलते हैं, कहाँ यार स्पीड तो सेम है। स्पीड अगर आप मान लीजिए एप्लीकेशन चला रहे हो तो आपको स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं लगेगी, बट अगर आप बड़ा चंक डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा क्या है क्या नहीं। HDD का लैपटॉप आपके पास है, मान लीजिए आप लैपटॉप ऑन करते हैं, उसको आराम से 1 मिनट कम से कम स्टार्ट होने में लग जाता है। मैकबुक प्रो या कोई और आप SSD का विंडोज़ का लैपटॉप ऑन करते हैं, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, कंपनीज क्लेम करती है इट विल गेट स्टार्ट इन 6 सेकेंड्स, इट विल गेट स्टार्ट इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में लैपटॉप ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें SSD लगी हुई है। बट अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, SSD में, ऐसी बात नहीं कि SSD में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, बट थोड़ी अलग तरह की प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, आपको इजीली मिलेगी नहीं। अगर आपको 40 TB की SSD चाहिए तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे,
ठीक है, आराम से नहीं मिलेंगे बड़ा चंक। या तो आप छोटे 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 एस एस डी आप लेके रखो, या तो 10,000 की मान लो 500 GB है तो 20,000 की 1 TB हुई, ठीक है 20,000 की 1 TB, तो मान लो आप 5 TB लेनी है आपको, तो आपको 1,00,000 रुपये वहाँ पर खर्च करना पड़ जाएगा बहुत आसानी से, बट डेटा बहुत जल्दी उसमें फास्ट कॉपी होगा, सब कुछ होगा। दूसरा, जो भी लैपटॉप आप खरीदोगे उनकी प्राइस आप मान लो 50-60 हज़ार से ऊपर ही होगी, बट उसमें आपको स्पेस क्या मिलेगा, 256 GB, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेरे पास मैकबुक प्रो है जो मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें 500 GB की हार्ड डिस्क है, 512 GB की हार्ड डिस्क है, 1,50,000 रुपये का वो लैपटॉप है। वहाँ पर लैपटॉप महंगा हो जाता है क्योंकि SSD महंगी हो जाती है, बड़ी SSD अब वो महंगा होता चलाएगा। बट अल्टीमेटली अगर आप चला रहे हो विंडोज़ तो फटाक से स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन चलाओगे फटाक से स्टार्ट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, कोई डेटा कॉपी करो खट 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 कॉपी हो रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, बहुत तेज़ी से कॉपी हो रहा है, ये जलवे हैं अपने SSD के, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब आप कई बार गए होंगे मार्केट में लैपटॉप खरीदने, उस बंदे ने आपको बताया होगा सर इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका जो विंडो है वो हमने डाल रखा है SSD में, डेटा कॉपी कर सकते हैं आप SSD में, इसके अंदर बाकी डेटा है, ये लैपटॉप महंगा भी नहीं है ज़्यादा, आपको नॉमिनल प्राइस में मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, वो होता है SSD HD, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 25 GB या 30 GB या 40 GB या 50 GB की SSD ड्राइव उस लैपटॉप में लगा देते हैं, और आपके विंडोज़ के जितने भी प्रोग्राम हैं वो इंस्टॉल कर देते हैं SSD में, ठीक है। SSD में इंस्टॉल हो गया, आपका लैपटॉप खटाक से ऑन हो गया, खटाक से बंद हो गया, तेज़ ऑन हो गया, बट आप जो भी डेटा कॉपी कर रहे हो ना वो HDD में ही कॉपी कर रहे हो, जो आपका बैकअप जा रहा है कुछ भी जा रहा है वो आपके HDD में ही जा रहा है, ये मेजरली डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। बट वो लैपटॉप होता बहुत फास्ट है, अगर आप उसको ऑन करोगे तो बहुत तेज़ ऑन होगा, बट अगर आप उसमें डेटा कॉपी कर रहे हो तो वो स्लो ही होगा, क्योंकि डेटा SSD में कॉपी हो रहा है, वो SSD में कॉपी नहीं हो रहा है। बट अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करो तो फटाक से ऑन हो रहा है, फटाक से बंद हो रहा है, जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो SSD में तुरंत खोल रहे हैं, भले वो ऑफिस हो गया, भले वो फोटोशॉप हो गया, या कोई भी हो गया, कुछ भी हो गया, एडोब का हो गया, या आप उसमें रेंडरिंग कर रहे हो, तो वो फटाफट होगा क्योंकि वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो SSD यूज़ हो रहा है। ये इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ये जो मैंने बताया SSD उसमें लगा होता है, ये भी लैपटॉप सब इजीली जाके देख सकते हो। अब दूसरी बात, जो नॉर्मल लैपटॉप है क्या उसमें हम SSD रिप्लेस कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल हाँ। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है उसमें HDD लगा हुआ है, आप जाके SSD खरीद के उसमें आराम से लगा सकते हैं, एक प्लग आएगा वो उसमें लगेगा और SSD लग जाएगा, आपका लैपटॉप उतना ही फास्ट हो जाएगा जितना कोई नॉर्मल लैपटॉप, कोई मैकबुक प्रो जितना फास्ट होता है उतना ही फास्ट हो जाएगा, बट यही कि थोड़ा मोटा हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, कोई भी लैपटॉप आपके पास है बहुत दिनों से आप यूज़ कर रहे हो, आपको लैपटॉप बहुत अच्छा लगता है, एक SSD खरीदी 10,000-12,000 जो भी सैमसंग की या किसी की भी आएगी, SSD को रिप्लेस कर दीजिए SSD से, आपका लैपटॉप इतनी शानदार चलेगा, आप मेरा नाम लोगे यार क्या बंदे ने बात बताई इतना तेज चलने लग गया। तो ये डिफरेंस होता है। मुझे उम्मीद है मैंने आपकी जो क्वेरी होगी क्लियर कर दी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, फटाफट जवाब दे दूंगा, आप लोगों को पता है मैं जवाब तुरंत दे देता हूँ। और प्लीज़ यार वीडियो लाइक तो बनता है, आप लोग देखते हो प्यार देते हो सब कुछ, बट वीडियो लाइक किया करो प्लीज़, लाइक करते हो तो इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो, बनाऊँ टाइम निकालूँ और वीडियो ज़्यादा बनाऊँ। यहाँ पर मैं करूँगा समाप्त, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से देख सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग HDD और SSD के बारे में डिफरेंस पता लगा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।